गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ये है आज का हमारा ब्रेकफास्ट, गर्मा गर्म एक मैगी, थोड़ा सा फ्राई काइंड ऑफ बना लिया है। यूजुअली मुझे बॉयल खाना ही पसंद है, लेकिन सौरभ को इतना पसंद नहीं है, जिस वजह से थोड़ा सा अगर फ्राई कर लेती हूँ ना तो उसको बहुत पसंद आता है। आज इतनी ठंडी हवा चल रही है कि मैं आप लोगों को क्या ही बोलूँ। आज हमारा मॉर्निंग हो गया था लगभग 7 बजे के आसपास, यूजुअली उस टाइम पे हम लोग उठते नहीं है, लेकिन आज नींद खुल गई थी। उठ के देख रहे हैं कि बाहर पूरा एकदम क्लाउडी आसमान है और बहुत तेज़ की हवा भी चल रही थी, अभी भी काफ़ी तेज़ हवा चल रही है। बाय द वे, मैंने सुबह सुबह आज नहा लिया है, हेयर ऑयलिंग भी करके रखी थी मैं कल रात को, तो सोचा क्यों ना सुबह सुबह नहा लेती हूँ तो बाल भी सूख जाएगा, क्योंकि आज बाहर सनलाइट बिल्कुल भी है नहीं, मतलब धूप आई ही नहीं। तो अभी मैं सारे पेड़ पौधे को पानी डाल रही हूँ। ये वाला जो मेरे पास कंटेनर है ना, यानी वाटर कैन, ये मुझे गिफ्ट में मिली है, पता है, ये मुझे जोसना ने गिफ्ट किया है काफ़ी दिन पहले, ऑलमोस्ट 1 महीना तो हो गया, लेकिन मैं व्लॉग में दिखाना भूल ही गई थी। देखिए 5 लीटर का है, उगाऊ का है, ये बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो उस बालकनी का जितने सारे पेड़ पौधे थे सब में मैंने पानी डाल दिया है, अभी इस बालकनी में जो नए पेड़ पौधे हैं इसको पानी डालना बाकी है, तो इसको भी पानी डाल देते हैं, उसके बाद जाऊंगी पूजा करने के लिए। सारे बर्तन को अरेंज करना पड़ेगा और मेरा पूजा भी देना हो गया है। बाल अभी तक गीला है क्योंकि ऑयलिंग किया हुआ बाल ना वैसे भी सूखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, और मेरी बहन मेरा हेयर ड्रायर लेकर चली गई है, पता है, उसका वाला वो वेस्ट बंगाल में ही छोड़ के आ गई थी, और यहाँ पे जैसे वो बहुत ही अर्ली मॉर्निंग नहा के उसको 8:30 बजे तक कॉलेज के लिए निकल जाना पड़ता है, तो जिस दिन वो हेयर वॉश करती है उस दिन बाल सूखना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और उसके कॉलेज में जैसे फुल एसी, हर एक क्लासरूम पूरा एसी है, तो वहाँ पे अगर गीला बाल में वो बैठती है ना तो उसको हेडेक स्टार्ट हो जाती है, इसलिए मैंने बोला कि ठीक है तो मेरा वाला लेके चले जाओ, मैं एक दूसरा मंगवा लूँगी, लेकिन फिर मंगवाना ही नहीं हुआ। तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, पूजा करना मेरा हो गया है, अभी बर्तन वर्तन थोड़ा सा सेट करके उसके बाद करूँगी लंच की तैयारी। ब्रेकफास्ट तो हो गया है, आप लोगों ने देख ही लिया है, सौरभ और पापा चले गए हैं ब्रेकफास्ट के बाद मार्केट थोड़ा सब्जी नॉनवेज वगैरह लाने के लिए। बाय द वे, आज बहन आ रही है, पता है, एक्चुअली लास्ट जो व्लॉग आप लोग देखे थे ना उसके ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन बाद आज मैं दोबारा व्लॉग बना रही हूँ। बीच में मैंने बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बनाई थी, थोड़ा सा मेरा तबीयत भी खराब चल रहा था, 4-5 दिन मेरा व्लॉग में गैप हो गया है, फिर आज मैंने दोबारा कैमरा उठा लिया है हाथ में। तो आज एक्चुअली ईद है, ओह सॉरी, बाय द वे हैप्पी ईद टू यू ऑल एंड योर फैमिली, ईद में बहुत एंजॉय कीजिए। तो आज ईद है और फिर कल भी कुछ कर्नाटका का कुछ फेस्टिवल की वजह से शायद स्कूल कॉलेज ऑफिस वगैरह सब कुछ छुट्टी है, और उसके बाद सैटरडे संडे है, उसके बाद 2 तारीख को गांधी जयंती है यानी मंडे के दिन, तो अभी लंबा छुट्टी है, जिसलिए बहन अभी आ रही है कुछ दिन के लिए छुट्टी मिल गई है उसे, मतलब लॉन्ग छुट्टी अगर रहती है ना तो मैं हम लोग उसको बोलते हैं कि तुम आ जाओ यहाँ पे, एक साथ एंजॉय करेंगे, खाना पीना करेंगे, इसलिए वो आज आ रही है, एकदम गांधी जयंती के दिन ही शायद वो वापस जाएगी, तो इसीलिए स्पेशली पापा और सौरभ गए हैं मार्केट कुछ बाज़ार वगैरह करने के लिए। तो ब्रेकफास्ट तो हमारा हो ही गया था, चलिए अभी बिना टाइम वेस्ट किए बर्तन को अरेंज कर लेते हैं, फिर पापा और सौरभ आ जाएंगे, फिर लंच की तैयारी भी करना पड़ेगा कि आज हमारे घर पे क्या लंच बन रहा है उस टाइम पे बताऊंगी। ये वाला जो पौधा है ना गाइज, इसको शायद एलमोंडा बोलते हैं ना, मैं नाम भूल गई हूँ, तो इसमें ढेर सारे देखिए कलियाँ आए हैं, काफ़ी सारे फूल तो हो भी गया है बीच में इतने दिनों में, लेकिन ये 3 कलियाँ अभी बड़े बड़े साइज़ के हैं। मुझे लगा था कि शायद आज ये खिल जाएगी, लेकिन आज ये खिली नहीं, लेकिन यहाँ पर जो और एक टाइप का एलमोंडा है इसमें एक फूल तो खिली थी जिस दिन हम लोग पौधा खरीद के लेके आए थे, और वो वाला झड़ने के बाद अभी ये वाला आज खिली है सुबह के टाइम पे, और यहाँ पे कली भी है।
और ये जो इंडोर प्लांट है वाटर लिली, इसमें भी एक नया पत्ता अभी खुलना स्टार्ट हो गया है और एक नया पत्ता भी नीचे से आ रहा है, मैं देख पा रही हूँ। इसमें फूल कब आएगा पता नहीं, नर्सरी वाला भैया ने बोले थे कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, सो लेट्स सी, वेट करना पड़ेगा और क्या ही कर सकते हैं। और बाकी मास्टर बेडरूम के बालकनी में आज दो दो पौधे में गेंदा फूल आए हैं। ये देखिए, ये है नाटी स्टाइल, छोटा साइज़ का गेंदा ऑरेंज कलर का, ये तो यहाँ पे दो आई है। साथ में यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं बंगाली में दोपाटी, तो एक दोपाटी भी आई है। यहाँ पे एक हिबिस्कस है जो कि धूप ना होने की वजह से अच्छे से खिली नहीं है अभी तक। और यहाँ पे है कुछ येलो कलर का नाटी स्टाइल येलो गेंदा, ये देखिए ये भी ढेर सारे आए हैं। तो ये सारे फूल को कल उठाऊंगी, आज तो पूजा हो गया है, कल उठा के पूजा करूंगी। नहीं, अब ऐसा लग रहा है कि एक स्वेटर पहनना ही पड़ेगा, और ऊपर से आज मैंने नहा के स्लीवलेस वाला नाइटी भी पहन ली है ना, तो काफ़ी ठंड लग रही है। बाहर तो धूप आने का नाम ही नहीं है, कभी कभार धूप आ रही है बस एक दो सेकंड के लिए, फिर धूप गायब, और इतनी तेज़ हवा चल रही है कि बहुत ठंडी लग रही है। अभी तो मैं चारों तरफ बंद भी कर दूँगी। एक्चुअली सुबह के टाइम पर क्या होता है ना, जितना भी धूप ना आए फिर भी थोड़ा सा अगर बाहर का हवा आ जाए ना अंदर, तो पूरा रूम अच्छे से एकदम सैनिटाइज हो जाता है, बोल सकते हो, अच्छा लगता है ना, पूरा घर पर एक फ्रेशनेस आ जाती है। लेकिन आज खुला रख ही नहीं पा रहे हैं। बाय द वे, अभी टाइम हो रही है सुबह के 10:45, और पता है एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भी भूल गई, दिखाना भी भूल गई, तो चलिए वो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। एक्चुअली कुछ दिन पहले रितेश भैया और शर्मिता आए थे हमारे घर पे, और वो लोग आके देखे कि मेरा जो फिश बाउल है वो खाली पड़ा हुआ है। लास्ट टाइम भी जो मेरा मछली था वो शर्मिता ने गिफ्ट की थी, बोली थी ना फाइटर फिश था, तो वो तो मर गया था। उसके बाद से मैंने डिसाइड कर लिया था नहीं, और फिश नहीं लाएंगे, क्योंकि नन्ही सी जान है, मर जाते हैं फिर ना बहुत दुख होता है। तो मैंने सोचा था कि नहीं, और मछली नहीं लाएंगे, फिश बॉल ऐसा ही पड़ा रहे। लेकिन वो लोग आए थे, फिश बॉल खाली देखा, और नेक्स्ट दिन मुझे सरप्राइज दे दिया, फिर से वो लोग एक फाइटर फिश मुझे गिफ्ट किए हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बैक कैमरा करके दिखाती हूँ, वही सेम जगह पे ही सेम बॉल में ही मैंने रखी है। चलिए बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। ये देखिए, कैमरा लेके आते ही ना कहाँ पे छुप जाते हैं। बहुत सुंदर है ना, जो पीकॉक ब्लू होता है ना उस कलर का है। लास्ट टाइम वाला भी बहुत सुंदर था, इस बार वाला भी बहुत सुंदर है। तो इसका नाम एज यूजुअल मैंने माछू ही रखी है, अच्छा लगता है। मतलब ये वाला जगह जो है, जो इतने दिन से खाली पड़ा हुआ था, वो अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं भर गया, अच्छा लगता है ना घर पे अगर कुछ पेट वगैरह रहता है तो। और जैसे मछली लो मेंटेनेंस है ना, तो इसलिए इतना ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होती है, बस सुबह के टाइम पर एक बार उसको खाना दे दो, दैट्स इट। ये देखिए, कैमरा लेके आते ही ये पेड़ के पीछे छुप जाता है। पापा और सौरभ आ गए हैं मार्केट से, और आज हमारे लंच मेन्यू में क्या क्या है चलिए दिखाती हूँ। यहाँ पे पापा ने काटे हैं एक मिक्स वेज, ढेर सारी वेजिटेबल्स मिला के। इसको अभी पानी में मैं डिप करके रखी हूँ, क्योंकि आजकल तो मार्केट का पता ही है ना, इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ करते हैं कि सब्ज़ी को काटने के बाद या काटने से पहले थोड़ी देर के लिए पानी में डिप करके रखना बनता ही है। और यहाँ पे जिमीकंद जो होता है यानी यैम, उसको यहाँ पे पापा ने बॉईल करके रखे हैं। हम लोग बंगाली में ओल बोलते हैं ना, तो पापा शायद इसका कुछ सब्ज़ी बनाएंगे मछली के सर के साथ। और कतला फिश यहाँ पे लेके आए हैं, तो कुछ पीस आज मैं बना रही हूँ और बाकी के कुछ पीसेस मैं फ्रिज में रखी हूँ ऑलरेडी, वो कल बनेगा। और ये रहा मछली का सर, नमक हल्दी से अच्छे से सारे मछली को मैरिनेट करके रख दिया है। मछली का सर जाएगा ये ओल के सब्ज़ी में, और बाकी का मैं बनाऊंगी एक आज स्पेशल रेसिपी, जिसके लिए यहाँ पे मैंने दही का एक बैटर बना के रखी है। बैटर तो नहीं, ग्रेवी काइंड ऑफ बोल सकते हो। दही है, जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर, इतना सब कुछ डाल के थोड़ी सी पानी मिला के इसको मैंने अच्छे से फेंट के रखी है। आज मैं बनाऊँगी बंगाली रेसिपी दोई कातला। और यहाँ पे कढ़ाई में ऑलरेडी मैंने चढ़ा दिया है कुंदरू फ्राई। तो सब्ज़ी वगैरह सब कुछ पापा ने ही काट के दिए हैं, और ये देखिए प्याज भी यहाँ पे आ गया है मछली के लिए। तो चलिए एक एक करके सारी रेसिपीज़ बना लेते हैं। सो ये देखिए, बहन आ गई है कुछ ही देर पहले, आके ड्रेस वेस चेंज करना भी हो गया है। ये लो ठंडी ठंडी नारियल पानी पियो, पी के देखो तो मीठा है कि नहीं। बहुत बढ़िया एक्टिंग किए हो तुम, तुमको डबल ए मिलेगी एक्टिंग में। बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ अभी, प्रैंक बता दो। क्या है ना, एक्चुअली ये जो नारियल का नारियल है ना, इससे पापा ने ऑलरेडी पानी निकाल के ग्लास में रखे हैं, ठीक है। और फिर ये ऐसे पड़ा हुआ था, इसको मैं पीने गई तब देखी कि ये खाली है, तो मैंने सोचा बहन के ऊपर प्रैंक करते हैं, लेकिन वो इतना अच्छा एक्टिंग करके चली गई कि कोई पकड़ ही नहीं पाएगा।
एनीवेज ये है मेरा नारियल पानी। एक्चुअली ग्लास में इसीलिए डालते हैं कि कितना पानी हो रहा है देखने के लिए। तो देखिए काफ़ी पानी हुआ है एक छोटा सा नारियल से। सो नारियल पानी पी लेते हैं। कढ़ाई में देखिए सरसों का तेल मैंने डाल दिया था, उसमें जीरा, तेजपत्ता, सूखी लाल मिर्च डाल के अच्छे से फ्राई करने के बाद प्याज और हरी मिर्ची को मैंने डाल दिया है। और ये अभी अच्छे से फ्राई हो गया है। और अभी इस टाइम पे यहाँ पे हमें डाल देना है ये जो मैंने दही का बैटर बना के रखी थी ना ग्रेवी के लिए, ये बैटर अभी हमें डाल देना है। और मेक श्योर कि गैस का फ्लेम एकदम लो में हो, नहीं तो दही फट जाते हैं और फिर टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अभी इसको लो फ्लेम में ही 2 मिनट के लिए अच्छे से चला लेना है। मछली तो यहाँ पे ऑलरेडी फ्राई करके रखा हुआ है ही, तो देखिए कुछ देर चलाने के बाद ही यहाँ पे ग्रेवी से अच्छे से ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। अभी आप लोग जितना ग्रेवी चाहते हो उस हिसाब से पानी डाल सकते हो। जैसे हम लोग ज़्यादा ग्रेवी पसंद नहीं करेंगे तो थोड़ा कम ही पानी डालेंगे इसमें, इतना सा पानी काफ़ी है। जब पानी में अच्छे से उबाल आ जाएगी उस टाइम पर सारे मछलियों को एक एक करके डाल देना है दही के ग्रेवी में। एंड में डाल देना है थोड़ा सा गरम मसाला। वैसे काफ़ी सारे लोग इसमें एंड में थोड़ा सा कच्चा सरसों का तेल का जो फ्लेवर है ना वो भी पसंद करते हैं, लेकिन हम लोग गरम मसाला डालना ही प्रेफर करते हैं। तो सारी मछली को यहाँ पे डाल दिया है। गरम मसाला डाल के इसको कुछ देर के लिए ढक के रख देना है ताकि गरम मसाले का फ्लेवर जो है ना वो मछली में और ग्रेवी में अच्छे से जा पाए। अभी इसको और ज़्यादा बॉईल करने की ज़रूरत है नहीं, 2 मिनट बॉईल करने से ही ये बन के तैयार हो जाएगा। अगर आप चाहो तो एंड में थोड़ा सा धनिया पत्ता स्प्रिंकल कर सकते हो, वैसे वो ऑप्शनल है। अच्छा बना है, पापा ने तो अभी तक टेस्ट नहीं किया है दही वाला मछली। अभी जो रेस्ट ऑफ द सब्जी है पापा अभी उसी से खा रहे हैं। ये देखिए मिक्स वेज यहाँ पे है, ओल और मछली का सर डाल के सब्जी, सैलड और पत्ता गोभी का सब्जी थोड़ा सा कल का था, यहाँ पे कुंदरू फ्राई है। और ये रहा मछली का ग्रेवी यानी दोई कातला, जो कि ऑलमोस्ट सबको मैंने सर्व कर भी दिया है और सबको ख़त्म होने को भी है। फिर मुझे याद आया कि अरे मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाई, फिर फटाफट से मैंने कैमरा ऑन कर लिया है। सच में बहुत बढ़िया बनाए हैं। नहीं एक्चुअल फीडबैक तो बहन दे पाएगी क्योंकि वो तो काफ़ी दिन बाद मछली खाती है, खा रही है ना, उसके हॉस्टल में मछली नहीं मिलती। अच्छा है, ठीक है खाओ। गुड इवनिंग गाइस, दोपहर को लंच करने के बाद मैं और बहन एक मूवी देख रहे थे बैठ के, और सौरभ सो रहा था, आज मैं सोई नहीं थी और मैं जाके सोई बस अभी कुछ ही देर पहले। अभी टाइम हो रही है शाम के 7:30 और बहन और सौरभ गया था मार्केट कुछ काम से, और देखिए आते टाइम यहाँ पर पानी पूरी लेके आया है। काफ़ी दिन हो गया पानी पूरी खाई नहीं थी, बेसिकली वही दो लोग जा रहे थे पानी पूरी खाने के लिए और मुझे भी लेके जा रहे थे, लेकिन मैं सो गई थी इसलिए मुझे और बुलाए नहीं। वो दोनों जाके खाए भी नहीं है ना वहाँ पे, डायरेक्ट टेस्ट किया। अच्छा डायरेक्ट पूरा घर पे ही लेके आ गए हैं, सब लोग मिलके एक साथ खाएंगे, इसलिए बहुत बढ़िया बनाया है, मैंने एक टेस्ट किया है। ये देखिए शाम के टाइम पे तीखा तीखा पानी पूरी एकदम खट्टा पानी के साथ मज़ा आ जाएगा। लेकिन बेड पे बैठ के क्यों कर रहे हो यार? क्योंकि नीचे नहीं बैठ सकती। क्यों? ऐसे ही मेरा मन नहीं है। बहुत तुम गंदे लड़की हो, बेड पे अच्छा नहीं लगता। ये बेड कवर उठा देना ठीक है। ओफ मेरे माथा पटी दबो। ए क्या नो खाचो अखन बनाचना ना दो ना यार एक। रुको उसको पहले पूरा बनाने दो, उसके बाद खाओगे ना, पहले क्यों खा रहे हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। कल एक्चुअली मैं शाम के बाद कुछ कामों में थोड़ा बिजी हो गई थी तो ब्लॉग एंड करना नहीं हुआ था, तो अभी सुबह सुबह मैंने कैमरा उठा लिया है ब्लॉग को जस्ट एंड करने के लिए। पापा और सौरभ चले गए थे सुबह सुबह मार्केट, और देखिए नर्सरी से कुछ नए नए पेड़ पौधे खरीद के लेके आए हैं। कुछ ही देर बाद अभी गार्डनर आएगा और ये सारे पेड़ पौधे को रिपोर्टिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा सुबह का चाय नाश्ता आ गया है, चाय और मुरमुरा आज हम लोग नाश्ते में खा रहे हैं। तो चलिए दूसरा जो व्लॉग है वो बस यहीं से स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोगों से मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।